मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है, मैं हाजीपुर का सांसद हूं। इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों के चीफ यानी चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ चाचा पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। पशुपति कुमार पारस के बयान के बाद चिराग ने अपने चाचा को हिदायत दे दी। उन्होंने कहा, ये 2 साल पहले की बात है और अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अब मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वहीं चाचा भतीजे के बीच जारी जंग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन पर भी तंज किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर 38 पार्टियों वाले एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने पशुपति पारस का एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, चाचा भतीजे का प्रेम तो देखिए तनिक, 38 की फौज में 2 ये भी थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो ट्वीट किया है उसमें पशुपति पारस हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के चिराग पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसा है भाई साहब, आपको भूख लगी हुई रहेगी, खिलाने वाला कुछ और होगा तो खिलाने वाला आपको खाना खिलाएगा तब तो खाइएगा, नहीं तो भूखे रह जाइएगा। तो वही बात वहां है। वो तो अभी भी कह रहा है कि हम 16 को सीट पर लड़ेंगे, हमको राज्यसभा चाहिए, हमको विधानसभा में 50 को सीट चाहिए। तो ये संभव है? नहीं संभव, वो संभव चीज है। हाजीपुर से चुनाव मैं लड़ूंगा, हाजीपुर से चुनाव ये हमारा अधिकार है, मैं हाजीपुर का सांसद हूं, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मेरा अधिकार है, मैं एनडीए का पुराना सहयोगी हूं और विश्वासी सहयोगी हूं, मैं लड़ूंगा हाजीपुर से, दुनिया की कोई ताकत। बता दें, दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक हुई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। बिहार से आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और रालोजपा चीफ पशुपति पारस ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 2 तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पहली तस्वीर में पीएम मोदी चिराग पासवान को गले लगाते दिखे थे, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के पांव छुए तो पशुपति पारस ने भतीजे को गले लगा लिया था। चिराग और पशुपति पारस की तस्वीर सामने आने के बाद माना जा रहा था कि दोनों के बीच सुलह हो सकती है, लेकिन बैठक के कुछ दिन बाद ही दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। पारस ने कहा, पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। वहीं चिराग से जब मीडिया ने पशुपति पारस के बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये 2 साल पहले की बात है और अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अब मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वहीं लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बिहार की राजनीति के हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए खेमे में बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रही है। दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच लोजपा 2 गुटों में बंट चुकी है। दोनों किसी भी हाल में समझौते को तैयार नहीं है।